हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। अभी हम सॉल्व करें कि नीट 2024 का जो PYQ है उसको आज हम 60 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, तो समझ पा रहे। इसलिए हम यहाँ पे देखते बच्चे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन जो 60 है बच्चे, ये क्लास 12 का है और ये काइनेटिक्स चैप्टर की है, क्लास 12 के काइनेटिक्स चैप्टर की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछता है कि व्हिच प्लॉट ऑफ लॉन के वर्सेस 1/T इज कंसिस्टेंट विद आरएनएस इक्वेशन, बा आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, और कौन सा ग्राफ है, इनमें से चार ग्राफ दिया है। लर्न के वर्सेस 1/T ग्राफ इस टाइप से है, सारे लर्न के वर्सेस 1/T, बट ग्राफ का जो है से थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। बच्चे ग्राफ को देख करके कुछ बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं। डरने का नहीं, आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो वो भी कोई मुश्किल बात आपके लिए नहीं होगी। आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस समय कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि आरएनएस इक्वेशन क्या कहता है। नहीं? So, RNS equation बच्चे देखो, ln k is equal to minus a by RT plus ln a। इस equation अगर आपको याद नहीं है तो आपका ये question solve नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे। सबसे पहले हम basic चीजें, very basic चीजें, ये अगर हम equation लेते, equation of straight line, तो y is equal to mx plus c। तो इसके साथ बस हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। वाई एक्सिस में मैंने लिया लर्न के है, और एक्स एक्सिस में अगर मैं इसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं कि लेकिन 1/T अगर मैं यहां ले लेता हूं, 1/T एक्स एक्सिस में लेता हूं, लेकिन मेरा स्लोप यहां पे नेगेटिव स्लोप आएगा, ये कंस्टेंट है। तो इसलिए बच्चे हमें सबसे पहले देखना है कि नेगेटिव स्लोप की बात करें, नेगेटिव साइन मींस नेगेटिव स्लोप है। तो इसलिए हमें देखना है कि y एक्सिस बच्चे ये है और ये x एक्सिस है, तो नेगेटिव स्लोप कहां पे सबसे पहले देखो, ये भी ऊपर को जा रहे पॉजिटिव स्लोप है, ये भी ऊपर को जा रहे पॉजिटिव स्लोप है, ये भी ऊपर को जा रहे पॉजिटिव स्लोप है, तो ऑटोमेटिकली एक ही जो दिया है नेगेटिव स्लोप है, तो दिस इज द आंसर। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन हमें मिलता है सिर्फ एक मिनट के लिए या 1.25 मिनट के लिए क्वेश्चन मिलता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आप अगर सॉल्व करते हो आपका काम बन जाता है। क्लियर ना? ये कर है ना, ई और आर तो कंस्टेंट है, ये भी एक फिक्स होते हैं हर एक रिएक्शन के लिए, तो ये चारों ग्राफ के लिए ये तो फिक्स होगा, बट वेरिएशन हमें सिर्फ देखना है कि नेगेटिव साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम सेकंड जो है 61 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 61 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और जो 61 नंबर क्वेश्चन है ये बेसिकली क्लास 12 ऑर्गेनिक जो हेलो ऑल्किन चैप्टर है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है। So, इसमें बच्चे देखो वेरी लॉजिकल क्वेश्चन ये है, थोड़ा आपको कंसेप्ट होना चाहिए इसके लिए, क्या होना चाहिए, कंसेप्ट थोड़ा पहले से आपकी होना चाहिए। तो मतलब तो क्वेश्चन पूछता है तो कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद फास्टर रेट, तो इसलिए आपको बच्चे SN1 क्या है, SN2 क्या है, SN i क्या है, कि नहीं, तो ये सारे जो है रिएक्शन की मैकेनिज्म और रिएक्शन की क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि किस में ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे सबसे पहले देखो कि SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होती थी, लेकिन ना तुम्हारा बेंजाइलिक फिर अलाइलिक फिर टर्शियरी कार्बोकैटायन देन सेकेंडरी प्राइमरी, ये ऑर्डर होती है। एक्चुअली बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है और अलाइलिक है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी, ये क्राइटेरिया होती है। तो जिसमें स्टेबिलिटी जिस कार्बोकैटायन की ज्यादा होगी उसमें SN1 रिएक्शन ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आपको देखना है कि पहला जो ऑप्शन दिया है बच्चा, अगर इसको मैं स्प्लिट करता हूं, एक ने साइक्लोहेक्सेन दिया है, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, क्लियर? तो इसमें इस कैटेगरी में मैं देखता हूं क्या होगा ना, इसमें जो कार्बोकैटायन बन रही है सेकेंडरी बनना है, और इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये
बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कभी कभी आप क्वेश्चन सुने होंगे कि व्हाई हैलोजन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। बट उसके बाद थर्ड में आते बच्चे, अगर मैं ब्रोमीन को क्लीव करता हूँ यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ब्रोमीन में माइनस आएगा, ये हो जाएगा वन और टू तो सेकेंड है ये। बट साथ में बच्चे देखो ये रीजन अनस्टेबलाइज्ड भी है, ये वाला जो चार्ज है अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेता हूँ तो एक नहीं ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रीजन सेकेंडरी भी है और रीजन अनस्टेबलाइज्ड भी है, तो दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बट यहाँ पे मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ पे है तो ये भी एक तरह से प्राइमरी वन डिग्री है, क्योंकि अगर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो एक ही कार्बन को टच कर दिया उनसे प्राइमरी है, बट ये तो देगा नहीं क्योंकि हैलोजन नहीं देता है एसएन रिएक्शन अनलेस एक ड्रास्टिक कंडीशन को छोड़ करके, क्लियर। यहाँ कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है तो ऑप्शन ये भी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, तो ये दोनों तो यहीं पे खत्म हो गए क्योंकि प्राइमरी लास्ट में है। इन दोनों में से बच्चे देखो कि यहाँ पे जो है एक सेकेंडरी दोनों होने के बाद भी इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि रीजन अनस्टेबलाइज हो रहा है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इसमें एसएन1 रिएक्शन फास्ट रेट होगा, ऑप्शन थ्री है, ऑप्शन थ्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा कुछ जानना है एक नहीं, आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो केमिस्ट्री वाला डॉट ऑनलाइन, इसमें बहुत सारी चीज आप मेरे बारे में या चैनल के बारे में या वेबसाइट के बारे में और कौन कौन सी कोर्स में प्रोवाइड करता हूँ ये सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिलेगा, या आप कोई क्लास लेना चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 जो है बच्चे देखो, ये जो चैप्टर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है क्लास 11। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो क्वांटम नंबर से वहां से क्वेश्चन पूछता है, और क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंट थिंग है कि पक्का पक्का एक क्वेश्चन वहां से आता है जो नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा है कि नहीं जाग जाओ थोड़ा सा है कि नहीं, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो दो क्वेश्चन वहां से आता है, तो एक पहले पार्ट से आता है दूसरा क्वांटम नंबर से भी आता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चे देखो कि यहाँ पे दिया है कि मैथ्स लिस्ट वन विथ लिस्ट टू है, लिस्ट वन में क्वांटम नंबर्स का नाम दिया एन एल एम एस जो भी है, और लिस्ट टू में दिया हुआ है क्या क्या इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, चारों का अलग अलग काम होती है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है बच्चे कि कौन सा क्वांटम नंबर, यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चाहिए हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन कहता है कि एम एल मतलब मैग्नेटिक, एस मतलब स्पिन, एल मतलब एजीमुथल और एन मतलब प्रिंसिपल। अच्छा देखो स्पिन क्वांटम नंबर को मैं अगर पकड़ता हूं बी है तो हमेशा स्पिन, देखो यहां पे स्पिन के बारे में ये बताता है, इसका मतलब मेरा बी हो गया फोर, तो बी में फोर कहां कहां है ना दो जगह है, That means ये दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दे, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखो ये दो ऑप्शन आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बाकी बचे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ओरिएंटेशन को बताता है, क्या बताता है ओरिएंटेशन, तो ए क्या हो गया एम एल मीन्स ओरिएंटेशन, ये हो गया थ्री, ए थ्री यहां पर भी भाई ए थ्री यहां पर भी, बाकी बच गया अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल प्रिंसिपल है, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है ना शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, मींस तो शेप ऑफ ऑर्बिटल अजीमुथल क्वांटम नंबर वन ऑप्शन आ गया, तो सी क्या हो गया वन, मींस ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि लास्ट जो आप तीन ऑप्शन को आपने अगर चूज कर लिया चौथा ऑटोमेटिकली, जो फोर्थ है डी का ऑटोमेटिकली
जाएगा इन साइज ऑफ क्योंकि एल जो है बेसिकली एक डिस्टेंस या साइज को रिप्रेजेंट करता है बा पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एलएमएन लाइक दिस तो एन की वैल्यू वहां से साइज को रिप्रेजेंट करता है तो इसी बाय डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो इसीलिए ये ऑप्शन कौन सा है ना फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हेलो बच्चों आई नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है 63 है लेकिन 2024 जो है नीट का पेपर है उसका जो डेली और एनसीआर रीजन का है रीजन 3 में आता है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो उस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 63 है और ये जो क्वेश्चन है बच्चे सॉल्यूशन चैप्टर से क्लास 12 है कहां से मैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 से यहां पे कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू फॉर 3 गैसेस का दिया है 145 2 * 10 -5 35 किलो बार तीनों अलग अलग है केस की वैल्यू दिया है बच्चे ना हेनरी लॉ कांस्टेंट है और पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस कितना आसान क्वेश्चन पूछता है कि नहीं है कि नहीं क्या होता है ना एनटीएवी जो है ना नीट वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जेई है तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बट यहां पे कांसेप्ट कौन सा लगेगा ना हेनरी लॉ वाला फार्मूला लगेगा PA is equal to KH into X है तो तुम्हारा KH कितनी हो जाएगी हेनरी लॉ कांस्टेंट कितनी होगी ना PA upon X है so that means solubility और KH both are inversely proportional to each other समझ पा रहे ना solubility means mole fraction और KH inverse अगर mole fraction बस solubility ज्यादा हुआ तो KH कम होगा बट KH ज्यादा हुआ तो solubility कम होगी तो इसलिए जिसकी KH की वैल्यू इसमें देखो 145 35 देन ये सबसे कम है तो ये दिया KH की वैल्यू अगर ज्यादा है तो solubility कम KH किसकी ज्यादा है ना A का ज्यादा है तो A का solubility सबसे कम means A का solubility सबसे कम ये वाले ऑप्शन में जब केस की वैल्यू सबसे कम है तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम है सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी तो बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा देन बीच का ऑप्शन सी आ जाएगा तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। वेरी कुछ भी नहीं करना कोई कैलकुलेशन नहीं है आपको एक ढूंढने की जरूरत नहीं है ठीक है बच्चा सोच रहा है कोई फॉर्मूला में पुट करूंगा कुछ होगा ऐसा कुछ होगा मतलब पागल हो जाता है ऐसा नहीं है तो इसीलिए आपको एक सही मेंटर की जरूरत है। अगर आप तैयारियां कर रहे हो नीट या जेई की तो आपको एक अच्छे एक ने है जो कि काफी एक्सपीरियंस टीचर है वही बता सकता है वही दिन एक ट्रिक भी बता सकता है कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो भी बता सकता है। इसीलिए आपने मेरे वेबसाइट जो है chemistrywala.online है और जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके धूम मचा। बच्चा ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं कि 64 नंबर क्वेश्चन है और 64 क्वेश्चन में हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th की थर्मो वाले चैप्टर है 11th की चैप्टर बट इजी क्वेश्चन कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है आपको थैंक यू कहना है जो क्वेश्चन जो 2024 में जो बच्चा आप ही होंगे लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में खतरनाक से न्यूमेरिक भी होते हैं इस चैप्टर में बट वो नहीं पूछा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है जैसे थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। बच्चे देखो एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होता है एंट्रोपी ना डिग्री ऑफ रैंडमनेस या मेजर ऑफ रैंडमनेस भी हम कह सकते हैं बट डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है डिग्री ऑफ रैंडमनेस रैंडमनेस मतलब आप समझ पा रहे हो कि गैस जो होता है रैंडमनेस ज्यादा होती है पार्टिकल हियर एंड देयर मूवमेंट करते रहते हैं बट एज कंपेयर टू लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और सॉलिड में बहुत ही कम होती है बेचारा एक जगह पड़े रहते हैं। सो लेट इट सो हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा है मींस एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रैंडमनेस। और यहां पे हम देखते हैं कि लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर लिक्विड से वेपर जा रहे मतलब पार्टिकल भाग रहे एकदम नहीं तो इसीलिए यहां पर एंट्रोपी बढ़ रहा है। टेंपरेचर ऑफ क्रिस्टल लोअर फ्रॉम दिस
तो लो टेम्परेचर हो रहे मतलब पार्टिकल ठंडा हो रहे मतलब देखने पास पास आ रहे कह सकते आप। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा बच्चे देखो, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहे पार्टिकल ठंडा पड़ जाएंगे कि नहीं, उनको एनर्जी मिल नहीं रही, भाग नहीं पाएंगे, रैंडमनेस कहाँ बढ़ेगी, यहाँ कम हो जाएगा। बट यहाँ सलीड से सॉलिड प्लस गैस प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 3 हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे प्लस गैस भी है, तो यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो मतलब मॉलिक्यूल सीएल टू एक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से जो एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल बट दो एटम है, तो आपको ध्यान देना है कि मॉलिक्यूल से जब एटम की तरफ जा रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, एटम्स जब बढ़ जाएगा तो इनकी भी रैंडमनेस यहाँ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, मतलब ए सी डी और बी नहीं है, इसलिए नहीं है बच्चे, क्योंकि ये टेम्परेचर इसके लो फ्रॉम 132 केल्विन है, मींस इनकी टेम्परेचर डाउन हो रहे, इनकी कोई रैंडमनेस नहीं है, तो इस ये हो जाएगा ऑप्शन 2। इसलिए बच्चे बिल्कुल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इसको कमेंट कीजिए। आप क्या करें ना, आने वाले जो वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा 65 onwards, मैं थोड़े थोड़े करके डालता हूँ कि एक बार में बच्चा 3 घंटा बैठ नहीं सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े चीज देखना है कि नहीं, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे का वीडियो आराम से बच्चा खाली टाइम में देख सकता है ना, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। तो इसीलिए इस वेबसाइट को विजिट करना नहीं भूलना है और मेरे चैनल को